भाई शुरू करें, सबसे पहले ये है कि ये जो पेपर है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये तीन चार डोमेन्स का होता है, तीन चार इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव वो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये तो एक कस्टम वाले लेते हैं, सही है, इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर में होता है, FIA में होता है, IB वगैरह में भी हो जाता है कभी कभी, अभी इस दफ़ा बोला उन्होंने नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी अप्रेजिंग ऑफिसर और इस तरह के जितने भी होते हैं ना, उनमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक सेट पैटर्न दिया हुआ है FPSC ने, सही है, तो वो उसी हिसाब से पेपर लेते हैं। उसका डिफ़िकल्टी लेवल वेरी करता जाता है उस करंट डेवलपमेंट के हिसाब से, लेकिन जो स्टैंडर्ड कोर्स दिया हुआ ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तीन पार्ट्स पे डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला SA है, दूसरे नंबर पे करंट अफेयर्स है, और तीसरे नंबर पे इस्लामियात या पाकिस्तान अफेयर्स में से कोई एक चीज़ करनी होती है आपने। मतलब तीन सवाल होंगे, दोनों सब्जेक्ट्स के तीन तीन सवाल होंगे और करके, उनमें से आपने तीन में से दो करने होते हैं, ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे। अच्छा, ये हो गया इसका ओवरव्यू। अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, सही है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें से 40 नंबर का SA होता है सीधा सीधा। अब यहाँ पर पॉइंट की बात ये है कि वो नहीं बताते कितनी देर में आपने कौन सा पेपर करना है या कौन सा पार्ट करना है, वो आपको 3 घंटे देते हैं और उसमें ये पूरा पेपर पकड़ा देते हैं और बोलते हैं सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ पर कैच आता है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। किसी का पेपर बहुत कम होता है जिनका पूरा होता है, वो क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, कैसे हमने करना है, वो सारी चीज़ आगे देखेंगे। सबसे पहले ऐसे हो गया 40 नंबर का, ये बात समझ लें, 1000 वर्ड्स का उन्होंने बोला होता है, आपने लिखना होता है इतना ही, सही है। अब आप ये समझ लें कि ये आपने, मैं वैसे अभी टाइम बता रहा हूँ, आगे जाके हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, 1 घंटे में करना ही करना है, सही है। उन्होंने कुछ नहीं बताया कहाँ से आएगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी है कुछ डायमेंशन, ये अभी आप इसको छोड़ दें, सिंपल ये याद रखें, आपने ऐसे लिखना है 40 मार्क्स का, ठीक है। देन है दूसरे नंबर पर चलते हैं, दूसरा जो पार्ट होगा वो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, 30 नंबर का, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस में से 2 सॉल्व करने हैं आपने, एक की चॉइस है। अच्छा, 4 डायमेंशंस दिए हैं यहाँ पे, CPEC, कश्मीर, पाकिस्तान, US और अफगानिस्तान। अब वो किस में से 3 सवाल देता है ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन इन 4 में से 3 क्वेश्चंस, एक एक में से एक एक सवाल होगा, ठीक है, एक को स्किप करेगा वो, ज़्यादातर ये CPEC स्किप हो रहा है क्योंकि इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। आगे हम देखेंगे क्या क्या हमने पढ़ना है, फिलहाल आप ये समझ लें कि किस तरह पेपर आएगा। अब आप बात समझें, यहाँ पे 2 सवाल आपने करने हैं करंट अफेयर्स के, फिर तीसरा पोर्शन आ गया, दोनों 15-15 मार्क्स के सवाल होंगे, ठीक है। फिर लास्ट पोर्शन इस्लामिक स्टडीज़ या पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा, जिसमें 3 सवाल होंगे, 3 पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे, 3 इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे, ठीक है, और दिया होगा। अब आप चाहें एक पाकिस्तान स्टडीज़ का करें, एक इस्लामियात करें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों इस्लामियात की करें आपकी मर्ज़ी है, दोनों पाकिस्तान स्टडीज़ की करें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब पाकिस्तान स्टडीज़ में ये 4 डायमेंशन दी हुई हैं, सिंपल डेमोक्रेसी पे कोई ना कोई सवाल आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाता है 1973 के, और इकोनॉमिक चैलेंजेस पे तो मस्ट है ना यार, लिख के ले लें। अब इकोनॉमिक पे इम्पॉसिबल है कि अगर ना आए इस तरह का सवाल, कोई ना कोई इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल आता ही आता है, अब तो इतना मसला चल रहा है ना इकोनॉमी का, ठीक है। और लास्ट में एक सोशल प्रॉब्लम दे देते हैं, सोशल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, वो ड्रग के ऊपर भी आ सकता है, वो वैसे पॉपुलेशन हो गई, और कोई जो भी हम लोग पढ़ते हैं यार सारे, उनमें से कोई भी आ जाएगा, वो देख लेंगे बाद में। तो ये एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर है जो आपने पेपर सॉल्व करना है। आप अपना माइंड बनाएं कि आप ये सारी चीज़ें एक एक्यूमुलेटिव पेपर देने जा रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। यार एक चीज़ होती है ना, आपको मैंने बोला 3 घंटे का ऐसे है, तो आप बड़े चिल करके, हाँ मतलब चिल तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन माइंड में होगा कि यार हाँ सिर्फ ऐसे लिखना है, कोई इशू नहीं है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करूँगा, प्रोसेस होगा पूरा ऐसे का फॉलो करूँगा, ठीक है, वही ब्रेन स्ट्रॉमिंग करूँगा, आउटलाइन बनाऊँगा और उसके ऊपर वो शुरू कर देगा बंदा जो भी होगा लिख रहा होगा, ठीक है, वो फाइनल ये पैराग्राफ्स होंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे और कंक्लूजन और फलाना सब हो गया, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ आता है कि भाई यहाँ पर ये भी काम करना है, और फिर करंट अफेयर्स के 2 सवाल करने हैं, फिर पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामियत के भी 2 सवाल करने हैं। अब ये 2 सवाल जो करने हैं ना, टोटल 4 क्वेश्चंस, यार ये कंप्लीट नहीं होते, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कभी ये सवाल घुमा के देते हैं, कभी कैसा सवाल देते हैं वो आगे हम देखेंगे, कुछ पास्ट पेपर्स का भी मैंने एनालिसिस किया है। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये थोड़ा सा ना ट्रिकी गेम है, ये गेम नॉलेज से ज़्यादा ना आपकी थोड़ी सी वो है एबिलिटीज़ है, राइटिंग प्री स्पीड है और थोड़ी सी स्मार्टनेस है, ठीक है, और वो सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। यार नॉलेज हर जगह मिल रही है, नॉलेज देने के पैसे नहीं होते, नॉलेज हर जगह मिल रही है, उसके साथ करना क्या है, गेम कैसे करनी है, पूरा ओवरऑल चीज़ को क्रैक कैसे करना है, ये मैटर करता है। पढ़ाने वाले पूरी थीसिस बैठ के लिखो कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, पहले ये सब क्लियर हो गया, ये जो पिक्चर थी पूरी डिस्क्रिप्टिव पेपर की, जिनका है ये मैं उनके लिए ज़्यादा समझा रहा हूँ, क्योंकि ये 2-3 बच्चों का ये है पेपर, बाकी तो पूरे ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए आए ना, उनको तो वैसे फ़ायदा होगा ही होगा, ये जिनका भी जिनके पास कम दिन है मैंने उनके लिए समझाया, ठीक है, ओके कर दें अगर यार ये हो गया क्लियर, आगे फिर पास्ट पेपर एनालिसिस वगैरह कर लें, फिर आगे अगला टॉपिक भी करना है। मैसेज कर दो मैसेज, ठीक है भाई,
अच्छा पहले पेपर क्लियर हो गया कि हम करने क्या चाह रहे हैं, किस चीज़ को हम अचीव करना चाह रहे हैं, वो क्लियर हो गया, क्योंकि ये पता हो ना कि भाई टास्क चल क्या रहा है, वरना फिर बच्चे पूछते हैं सर हमने वो नहीं किया वो नहीं किया, भाई करना ही सिर्फ ये है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। उसके साथ पैरेलल में बहुत सारे हमें फ़ायदे होंगे, वो अलग है, वो हम गिनवाएंगे, वो एंड में सब कुछ आप इसमें अपने एनालिसिस करेंगे। अच्छा यहाँ पर एसे को देख लें कि एसे किस तरह के आते हैं, ठीक है, एसे आया है मिक्स आते हैं, कुछ भी नहीं पता कहाँ से आएगा कुछ आएगा, चार एसे आएंगे, ठीक है, उसमें से आपने एक ऐसे करना है। अब वो चार में से ना ये समझ लें दो तो आपको नहीं आते होंगे, पहली में बता दूँ आपको, हो सकता है तीन ना आते हो लेकिन एक ना एक तो लाजमी आता होगा, सही है, और वो आना भी चाहिए, नहीं भी आता तो आप परसीव करेंगे आपको आता है वहाँ पे। तो पहला आप देख लें भाई सोशल मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पे लाजमी यार ये देते ही देते हैं आजकल, तो ये तकरीबन मैंने बहुत नोट किया, MOD में भी सोशल मीडिया था, FPSC के पेपर में भी सोशल मीडिया था, CSS में भी घुमा देते हैं, हर तरफ सोशल मीडिया चल रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो ये समझ लें, सही है। मॉडर्न टाइम्स, प्लेस ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न टाइम्स, सिंपल है ये भी आप लिख सकते हैं। जियोग्राफी डिवाइड्स, सोशल मीडिया यूनाइट्स, अभी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब है मुश्किल है। फिर इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, यार ये अभी 23 वाले FIA में आया था, ये बहुत आसान था, आप सब कर सकते हैं इसको, तो ये सोशल मीडिया हो गया। फिर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को खैर रिलेट कर लें, टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी अभी ये जो डिपेंडेंस वाला सवाल आया था 2023 CSS में, ओवर मतलब टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ओवर डिपेंडेंस जो भी पूरा सवाल था, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आएगा, ठीक है, आ सकता है इन दोनों को मिला के। यहाँ पे ये था टेक्नोलॉजी रोल इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो वो आप आराम से मतलब कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है, किस तरह मॉडर्न वर्ल्ड में उसका रोल है, पॉजिटिव्स बताएं, नेगेटिव कमी बताएं। फिर आगे हम देखेंगे सारी चीज़ें एक एक करके, डायमेंशंस को कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमने 3 घंटे वाला ऐसे नहीं लिखना, हमने हल्का सा ऐसे लिखना। यार अभी भी मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ ना और आपसे पूछूँ कि आप मुझे कुछ इसके बारे में बताओ, तो आप रैंडम ब्रेन स्टॉमिंग में भी मुझे 5-6 चीज़ें बता दोगे और उसको वहीं पे उसको एक्सपेंड करके ना आप एक अच्छा ऐसे बना सकते हो, तो ये इतना इशू नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, सही है। सिंपल मैं आपको ब्रेन स्टॉमिंग का मेथड बताऊंगा, आउटलाइन का तरीका बताऊंगा, ऐसे कैसे लिखना है, सिंपल 2-3 नॉर्मल चीज़ें होती हैं यार, आपको पता है अपना पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन होता है, सही है, और पैराग्राफ्स के अंदर भी एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा और बॉडी होगी और साथ में कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, तो बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी। आगे ये मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेटेड है, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं यार, ये इस्लामोफोबिया सब कर सकते हैं, सबने मतलब काफ़ी लोगों ने प्रिपेयर किया होता है, ठीक है। राइजिंग टर्मोइल इन मुस्लिम वर्ल्ड, अभी किससे रिलेटेड है बंदे को उस टाइम पेपर में नहीं समझ आएगा, सही है। इस्लाम एंड डेमोक्रेसी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये थोड़ा सा, लेकिन ये करना नहीं है पेपर में, सही है। मुस्लिम वर्ल्ड एट क्रॉस रोड, ये भी ठीक है। सिविलाइजेशनल ये छोड़ देंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सादे वाले टॉपिक्स करेंगे। और इस दफ़ा आराम से क्लाइमेट पे इस दफ़ा भी आया था FIA वाले में, और एक सीधा सोशल मीडिया पे भी आ गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक दफ़ा आया था MOD में, तो ये इतना इशू नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे देख लें, बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान, ये भी हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग इन साउथ एशिया, और अभी वाला जो रिसेंट आया था क्लाइमेट चेंज कोई चैलेंज था, पता नहीं इस तरह का था, अभी रिसेंट वाला भी, ठीक है। फूड से आज रिलेट कर सकते हैं इसको, तो ये बस मैं आपको ना पिक्चर समझा रहा हूँ कि क्या क्या आ सकता है, आप किस तरफ अपने माइंड की डायरेक्शन को रखें, बिल्कुल ऐसे नहीं ना आप समझें पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यही मेन चीज़ें आएंगी, इनमें से कुछ ना कुछ टारगेट होता है, सही है। फिर आपको सिंपल पाकिस्तान के ऊपर चीज़ें आ सकती हैं, इकनॉमिक लाजमी आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है। टैक्स कल्चर, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। फ्रीडम स्पीच ये आ गया, कश्मीर इशू तो कश्मीर में पढ़ लेंगे, ठीक है। गवर्नेंस, ये सारे मैं आपको पास्ट पेपर के निकाल के दिखाए हैं, सही है। तीन वैसे ये पेपर मिलते नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आउट नहीं होता, सही है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये तो कुछ निकले हैं इधर उधर से मिले हैं, तो मैंने उसको वो किया। अच्छा अब आ जाते हैं यार करंट अफेयर्स को करें, ताकि हम अपना टॉपिक शुरू करें, फिर आगे टॉपिक पूरा पढ़ना है। देखो सबसे पहले अफगानिस्तान ये छोड़ दें अभी, हम देखते हैं हमने जो आज पढ़ना है उसी को देख लेते हैं। यार CPAC अभी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। CPAC में वैसे तो इतने ज़्यादा सवाल आए नहीं हैं, बहुत एक आधी आया इस दफ़ा, ये जो CPAC के पुराने क्वेश्चन थे, देखें CPAC अब मेरे लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस तरह के सवाल थे। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द चाइना एंड पाकिस्तान इन द पर्सपेक्टिव ऑफ CPAC। अब ये बात आपने समझनी है यहाँ पे कि ये जो डायमेंशन दिए ना, ये देखिए शुरू में मैंने जो आपको डायमेंशन बताई है ना, CPAC एंड पाकिस्तान, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कोर्स आउटलाइन में, ठीक है, कोर्स कंटेंट जो उन्होंने दिया है, सिलेबस जो आपने करना है। अब ये जो भी सवाल पूछेंगे ना उसके साथ आपको CPAC को जोड़ देंगे। पहले पूछना इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस पाकिस्तान और चाइना के क्या हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ CPAC, ठीक है। तो जब भी आपने सवाल को करना है ना, क्योंकि सवाल लंबा नहीं करना भाई, 8-8 पेजेस, ये CSS नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि बच्चे सारे CSS वाले हैं तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। अभी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो यही बोल रहे कि भाई मुझे इतनी तैयारी नहीं है, तो मैंने उसे बताया कि तैयारी लाजमी करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे सारे बैठे होंगे हाईली क्वालिफाइड, सबके पास बहुत नॉलेज होगा, तो आपने वहाँ पर स्मार्ट तरीके से कम नॉलेज के साथ भी गेम करके दिखानी है, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम जो परफॉर्म करेगा, यार मेरे साथ मैंने काफ़ी बच्चे देखे, वो क्या करते हैं, इतनी नॉलेज है सब कुछ है, और वो जो शुरू में मैंने कैच बताया ना, किसी से कवर नहीं होता,
वो उससे भी नहीं हुआ फिर फ़ायदा, वो तो फिर क्लियर नहीं होगा ना यार, इतनी नॉलेज इतनी सब कुछ करने के बावजूद क्या फ़ायदा। तो मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि इतनी नॉलेज रखनी है उस टाइम पेपर के अंदर रेलेवेंट, जो उसको टारगेट करे और क्वेश्चन के टाइम के हिसाब से मटेरियल पूरा हो जाए। ये ना आप चैलेंजेस एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंजेस लिखने के चक्कर में बाकी सारे सवाल मिस कर दिए और एक सवाल 8-7 पेज का कर दिया, ठीक है। ये साथ साथ बता रहा हूँ ताकि माइंड रेडी रहे, बच्चे पढ़ा पढ़ाने में मकसद नहीं है, पढ़ाना आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज इधर उधर से ले सकते हैं, ये चीज़ें नहीं मिलती, ये चीज़ें नहीं समझ आती। तो खैर एक करंट अफेयर्स को थोड़ा सा वैसे ही एनालाइज कर लेते हैं यार। देखो अफगानिस्तान पे ज़्यादा सवाल आते हैं, लाजमी आएगा, अफगानिस्तान का भी करंट इशू कितना चल रहा है, अफगान पॉलिसी हर आर्टिकल में आपको हर दिन का एक आर्टिकल के साथ एक अफगानिस्तान के ऊपर मिलेगा। आज भी एक आया हुआ था कि इकनॉमिक हमारे एम्बिग्यूटी चल रही है, एम्बिग्यूस अप्रोच आज का आर्टिकल था कोई, तो वो यही बता रहे हैं कि सिंपल अफगानिस्तान में एक इशू चल रहा है, हमारी पॉलिसी का फुकदान नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड लाजमी सवाल आएगा, टेररिज्म से रिलेटेड, अफगानिस्तान से रिलेटेड, ISIS तालिबान, इससे घुमा के ना, इससे मतलब बिल्कुल रिलेट करता हुआ एक सवाल आएगा। तो हम एक स्पेसिफिक नॉलेज लेंगे, इशू को समझ लेंगे और फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसके हिसाब से उसको रिलेट करके आंसर लिखेंगे, सही है। लाजमी आएगा कि पाकिस्तान में टेररिज्म, ग्रोइंग टेररिज्म इशू आफ्टर दी तालिबान राइज और फलाना, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। और US वाले में हो सकता है US को तालिबान से रिलेट कर दे। तो अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे एक एक करके हम चीज़ें करेंगे। यहाँ सिंपल है कि ये पुराने सवाल हैं क्योंकि तब ये डायलॉग्स हो रहे थे, तब ये डील्स हो रही थी, US तालिबान की टॉक्स हो रही थी, तो ये तब के क्वेश्चन हैं, इनका इतना फ़ायदा नहीं है। एवेल्यूएट द इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ये भी तो पुराना ही है, तो इसका इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बस बस समझ लेंगे, ये पेपर में आए हुए हैं तभी मैंने सामने रखे हैं। फिर कश्मीर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कश्मीर सिर्फ उन्होंने अपने कोर्स आउटलाइन में ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कश्मीर इशू, यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नहीं आएगा। अब मैं आपको चलो उसके बाद बताता हूँ, वैसे इंडिया पाकिस्तान भी कवर करेंगे लेकिन मेन हमारा फोकस कश्मीर के ऊपर होगा, ठीक है। और सीपैक होगा, सब कुछ सीपैक से रिलेटेड क्राइसिस और मतलब जो जो आ रहे हैं इश्यूज आ रहे हैं उसको रिलेट करेंगे वो इश्यूज। और US चाइना के साथ अभी 2023 में बाइडन की सिक्योरिटी पॉलिसी पूछ ली थी। अब हालत देखें, मतलब आप US चाइना पाकिस्तान रिलेशंस पूछ रहे हैं तो उसमें इतना अजीब सा सवाल इन्होंने उठा के दिया कि बाइडन की सिक्योरिटी पॉलिसी। अब बच्चे ने नहीं अगर पढ़ा ना, जिसने स्पेसिफिक तैयारी की उसको तो नहीं पता बाइडन की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। अब चलो कह रहे बच्चे सारे सीएसएस वाले, उन्हें आइडिया है, वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 में जो आई थी जिसमें ओवरऑल उसने 5-6 की पॉइंट्स थे पूरा लॉन्च, मतलब वो बड़ा जैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आती है, जापान की आई है, जर्मनी की आई है, इसी तरह ये US ने भी लॉन्च की है, तो उससे रिलेटेड ये सवाल था, ये बाइडन सिक्योरिटी पॉलिसी और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह का था। अब इतनी ज़्यादा मतलब कुछ दिनों में तो हम हर चीज़ को पूरे हॉलिस्टिकली तो नहीं कवर कर पाएंगे, एक एक चीज़ को हम मेजर पाकिस्तान के US चाइना के कन्वर्जेंस करंट सिनेरियो देखेंगे, किस तरह अभी कन्वर्जेंस हो रही है दोनों के दरमियान, बिजनेस कम्युनिटीज़ मिल रही हैं और किस लेंस में अभी इनकी रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब रेलिवेंट बात है कि आजकल करंट डायनामिक्स में क्या, हिस्ट्री सबको पता है यार। अभी मैं आपको 3 आर्टिकल्स भेजता हूँ, ठीक है, लिंक में आपको तीनों ये चाइना की और पाकिस्तान का समझ आ जाएगा। US पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी हुई है उसमें, ठीक है, ईरान वाली लिखी है वो वैसे ही भेज दूंगा, ईरान भी पढ़ लीजिएगा वैसे बात के लिए, ठीक है। इंडिया और अफगानिस्तान का भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, 3 अलग अलग आर्टिकल हैं उससे कवर हो जाएगा। ये हो गया आपका पास्ट पेपर एनालिसिस, ठीक है, ये हो गया पास्ट पेपर, हाँ ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया पिक्चर क्या है, ओवरऑल मेजर क्या करना है, कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट को देखना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ नहीं लिख देनी जो आपको पता है, जो रेलेवेंट पूछा है वो लिखना है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको अपने मॉक्स भी भेज दूंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं बड़ा ना आपको मतलब एक आउटलाइन डिस्कस करके बताऊंगा, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा वो आपको वो भेज दूं, ऑडियोज़ भेज दूं, साथ में क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, बोलूंगा इसको सॉल्व करो, मैं ऑडियो भेज दूंगा, ऑडियो सुनना नहीं, पहले सॉल्व करना फिर ऑडियो सुनना कि कैसे करना है इसको, ठीक है, और साथ में आउटलाइन भी भेज दूंगा, ठीक है। ये बात हो गई कवर। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि यार मैं आप लोग को नोट्स दे दूंगा जिसमें सब चीज़ें कवर होंगी, लेकिन हम अभी अपने क्लासेस में सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे रेलेवेंट नहीं है, इस कोर्स से रेलेवेंट नहीं होगी हर चीज़, ठीक है। वो आपके लिए मैं वैसे भेजूंगा, वो आप सब उसमें से कवर कर लेना, ठीक है। ये हो गया, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, दूसरा जो है यार कोई बात है पूछ लो, अब चलते हैं सीपैक पढ़ने, कोई बात पूछनी है यार। आइडियल साइज़ जो है ना वो देखो 30-20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वैसे आमतौर पर, लेकिन वो सिर्फ आपने कितने करने होते हैं, 4 करने होते हैं, ठीक है, 4 करने होते हैं और एक MCQs होता है आम पेपर्स के अंदर। अगर एक पेपर करंट अफेयर्स का है तो आपने 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और 20 नंबर के MCQs करने होते हैं, समझ आई। अब यहाँ पर मसला ये है कि 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं और एक ऐसे भी करना है, तो ये बहुत टिपिकल बहुत मुश्किल काम है, सही है। तो आइडियल वैसे तो साइज़ कहने का मकसद हर कोई यही आंसर देता है कि आइडियल साइज़ ये नहीं होता, आइडियल साइज़ आपकी राइटिंग पे वेरी करता है, पेज टू पेज वेरी करता है। भाई मेरे हिसाब से ना आपका आइडियल साइज़ लोग कहते हैं 3 पेज
बहुत होते हैं, तीन साइड्स की बात हो रही है, पेज की बात नहीं हो रही, तीन साइड्स की बात हो रही है। लेकिन इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा करना कैसे आपने। भाई देखो, गेम सीन ये होता है कि आपने जो जहन में रखना है ना, वो टाइम रखना है। आप पेजेस को छोड़ दें, आप टाइम को जहन में रखें। होता यह है कि हर चीज़ आपको आती नहीं है यार। ये बात की बात है, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा, यही सबसे मेन बात है, ठीक है। मतलब मिसाल दे रहा हूँ, दो क्वेश्चंस हैं आपको, दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, मेरी करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी ग्रिप है, मुझे इतने ज़बरदस्त आते हैं कि मैं उसमें 10-10, 8-8 पेजेस लिख सकता हूँ, सही है। लेकिन मैं पाकिस्तान अफेयर्स के जब क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो वो मुझे इतने ज़्यादा नहीं आते, मिसाल दे रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं कि वो जो दो शुरू के क्वेश्चन है ना, उनको एक स्टैंडर्ड टाइम दूंगा। मिसाल होता टाइम है 20-20 मिनट, मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बना के दूंगा, आपने किस तरह कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा हिस्सा बाद में करना है। जैसे ही वो फिल हो, उसका कंक्लूजन की जगह छोड़ के आपने अगले पेज पे चले जाना है, ठीक है। छोड़नी है जगह, फिर किस तरह उसको पूरा करते करते वापसी आना है, और एक ब्लू कलर भी आपने लेके जाना है, ठीक है। पेपर को एंड में किस तरह आपने शशके लगाने हैं, सब कुछ बताऊँगा। और यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिख सब देते हैं लेकिन अच्छा कोई नहीं करता, पूरा कोई नहीं करता। वो चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, मैं आपको पेपर भी भेजूंगा अपने, तो आपको समझ आ जाएंगी सारी बातें। आइडियल पेज अभी यही समझ लें कि तीन पेज, क्योंकि वो 15 मार्क्स को छोड़ दें, 15 और 20 मार्क्स को नहीं समझें, पूरे पेपर को समझें। क्योंकि पेपर पूरे के अंदर आपने काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, 4 सवाल करने और एक पूरा ऐसे करना है, ठीक है। तो कोई सवाल 3 पे जाए, कोई 4 पे जाए, इस तरीके से। और वो 3-4 ये नहीं समझना कि सिर्फ लाइनें भर ऐसे कुछ लिख के भरना है, वो आपको मैं तरीका बताऊंगा। उसमें मैप भी आएगा, उसमें 2-2 लाइंस की हेडिंग्स आएंगी ब्लू मार्कर से, एक बड़ा सा ऊपर क्वेश्चन नंबर आएगा, फिर एक मेन क्वेश्चन की हेडिंग आएगी। यार ये मतलब इस तरह होता है, ये आपको अगर तीन, मैं बोलूँ पूरे 3-4 पेजेस आपने अगर लाइन्स पे पूरा पूरा लिखना है ना अपने आंसर को, तो ऐसे नहीं होता। बीच में 2-4 रेफरेंस आएंगे, वो भी मैं अपने आर्गुमेंटेशन वाले ग्रुप में करा रहा हूँ। मैं आप लोग को मेन मेन ना इससे स्पेसिफिक रेलेवेंट टू ये दीज जो टॉपिक्स है ना, इनसे रेलेवेंट मैं आपको मटेरियल बताऊँगा, अलग से ऑडियो भी भेज दूँगा, वो आपने वहाँ कोट करना है ब्लैक पेन के साथ, ठीक है। फिर उसको आर्ग्यूमेंट को अपने बिल्ड करना है। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कर लेंगे, एक दिन में तो यार आपको फिर मसला होगा कि एक दिन में बता दिया, ये हो नहीं आराम से, तो आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, ये हो गया। हम